హలో మై ప్యూర్ సోల్స్ కేమ్ చో హౌ ఆర్ యు హేగిదిరా ఎలా ఉన్నారు ఎప్పుడు ఇర్కింగ వెల్కమ్ టు దిస్ ప్లీస్ఫుల్ మార్నింగ్ సో జైసే మేనే కమిట్మెంట్ దియా థా ఆప్ లోగోన్ కో ఏక్ షార్ట్ ట్రిప్ హమ్ జానే వాలే హై సరౌండ్ హైదరాబాద్ తో కౌన్ సే ప్లేస్ పే జానే వాలే వో తో సస్పెన్స్ రహేగా ఆప్కో వహాన్ పే జానే కే బాద్ హీ పతా చలేగా అంటిల్ దట్ యు కెన్ ఫాలో మీ విత్ మై రూట్ సో విత్ మీ మై మోస్ట్ అడోరేబుల్ కజిన్ మిస్టర్ అక్షయ్ ఇస్ దేర్ चलो इसको भी थोड़ा सा फेमस करते हैं इसी वीडियो में ओके ऑन द वे में ब्रीफ करते हुए आपको चलते हैं इस सफ़र में एक छोटा सा सफ़र है हाफ अ डे का ब्यूटीफुल प्लेस वन ऑफ द हिस्टोरिक प्लेस वी आर गोइंग टू मीट टुडे सो मैं पहले आपको रूट मैप समझाता हूँ आप अगर हैदराबाद से स्टार्ट कर रहे हैं कहीं से भी तो आपको पहले मेहदीपट्टनम होते हुए टूवर्ड्स गच्चीबौली देन लिंगमपल्ली एंड आफ्टरवर्ड्स पटनचेरू क्रॉस करके संगारेड्डी सिग्नल में राइट लेना है टूवर्ड्स संगारेड्डी संगारेड्डी से 4 किलोमीटर्स अवे कलबगोर करके एक छोटा सा गांव बसा है वहीं पे हम ये हिस्टोरिकल प्लेस विटनेस करने अभी जा रहे हैं ये रूट इनर रिंग रोड होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम ट्रैफिक देखने मिलेगा एंड विच इज़ अ फास्टेस्ट रूट to reach the destination Kalabgor so I chosen this suspense se parda uthate hue I would like to tell you all that hum ye jo historical mandir jo dekhne ja rahe hain bahut hi sundar aur bahut hi architectural marvel hai aur ise 11th century mein construct kiya gaya hai here we are almost reached the village very much excited to reach the temple this is it Sri Kashi Vishveshwara Mandir oh my god really marvelous architecture hai aur that to 11th century se ab tak isko matlab preserve kiya gaya hai matlab it is amazing mind blowing ये जो आप देख रहे हो टेंपल के सामने एक नंदी महाराज के लिए मंडपम बनाया गया है इसमें भी रिच क्राफ्टमैनशिप आप देख सकते हो और ये चीज़ सारा ना क्राफ्ट करके कोई सीमेंट नहीं यूज़ किया है कुछ नहीं यूज़ किया है स्टोन के ऊपर स्टोन के ऊपर स्टोन ही रख के बिल्ड किया गया है ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स हो चुके हैं इस चीज़ को बनाए हुए इन दीज 1000 ईयर्स आप देख सकते हो वीडियो में भी दिख रहा है 12th सेंचुरी के बाद टिल 18th सेंचुरी तक बहुत सारे आक्रांताओं ने यहाँ पे भी आक्रमण करके ऑलमोस्ट टेंपल को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश तो किया है जहाँ जहाँ पे पत्थर बिखरे पड़े हुए या टूटे हुए आप देख सकते हो इस मंदिर के आप इजीली नोटिस कर सकते हो कौन सा पार्ट इस टेंपल का 11th सेंचुरी का है और कौन सा पार्ट रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है मेन चीज़ तो मैं आपको बोलना भूल ही गया आई एम सॉरी इस मंदिर को 11th सेंचुरी में काकतिया डायनेस्टी ने कंस्ट्रक्शन करवाया था हमारे काकतिया डायनेस्टी के राजा महाराजाओं ने बनवाया है इंस्पिरेशन है इस मतलब इस मंदिर का थीम एंड इंस्पिरेशन हमारे वरंगल का जो 1000 पिलर मंडपम है ना इट इज़ सेम सिमिलर लाइक दैट ओनली बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा आप मंदिर के अंदर जाके भी आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ के पिलर्स कैसे हैं हाउ इट मैचेस टू द वरंगल टेंपल हमने जस्ट टेंपल में एंटर किया है आप देख सकते हो मार्वलस कार्विंग ऑफ अ स्टोन इनसाइड द टेंपल ईच एंड एवरी पिलर हमारे एंसेस्टर्स को ट्रिब्यूट है Everything is marble man here or that to 1000 years old still withstanding Nandi Maharaj ke samne yahi hai hamare Shri Kashi Vishveshwara Bholenath Har Har Mahadev और हमें ये सौभाग्य मिला कि गर्भगृह में जाके थोड़ा सा पूजा नमस्कार करें जप तप करें इट वॉज वंडरफुल फीलिंग इन साइड द गर्भगृह एंड वन मोर थिंग ये एक ही टेम्पल में 3 गर्भगृह है आप देख सकते हो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज ये है दूसरा गर्भगृह इस मंदिर का
श्री पद्मनाभ स्वामी यहाँ पे विराजे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पूजा वगैरह किए, हमें पुरोहित ने बहुत ही अच्छा गाइड किया है और हमें अलाउ किया कि गर्भगृह में जाके पूजा वगैरह करें। और अब हम चलते हैं तीसरे गर्भगृह में, श्री वेणुगोपाल स्वामी यहाँ पे विराजे हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, अब देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल पत्थरों को तराश के पिलर्स बनाए गए हैं और मंदिर के गर्भगृह बनाए गए हैं। अगर सोचो ये आक्रांताओं ने आक्रमण नहीं किया होता तो ये मंदिर और भी कितना सुंदर दिखता होगा आज। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई एंसेस्टर्स एंड हमारे काकतिया डायनेस्टी के राजा महाराजाओं का, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मंदिर बनाए हैं, उन्हीं में से ये एक है। अब हमारे हाथ में है कि हम इन सारे मंदिरों को कैसे प्रिजर्व करके रखें और हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये देखने मिले, वो सब अभी हमारे हाथ में है। बी अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, सेव ऑल टेम्पल्स, कीप इट क्लीन, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट, एन्जॉय योर लाइफ, टिल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।